कल हमारे एक समाज का वीडियो आया, बताओ मेरे को कितनी गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा ये बात? वीडियो सुने होता है तब जो बकवास बताओ, अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतनी गालियां खा रही हूँ लाला दस जो थे, बताओ मैंने कहीं करना चाहिए, पच काटूँ या रुकू? अब थे क्या जो कर लें कहीं करना, बताओ। वाह ठीक है, दो दिन रुक जाओ, ठीक है। तो यार मैं सुनो अगली गाली, चाहे जगह भैंसा की क्या, भैंसा की रैली कर दे मार, भैंसा दे नामा समार, भैंसा का आधार कार्ड बनाए दो और मरुड़ा का बोर्ड नाक दो। सुनो मेरी बात, जिस तरह का भाषा का दुरुपयोग उपयोग, बहन बेटियां बैठी रहती है, ज्योति खुद हमारी बहन है, रितवाल चाहे जो बोलता है, ज्योति ताली बजाओ, चाचू एक डायलॉग और मारो, क्या हो रहा है, कौन आपको करेगा? और भाइयों कुचेरा जो गांव है, ये बातें तो आपको इसलिए माननी पड़ेगी कि कुचेरा आपको पहले भी देखा था, कॉलेज खुलवाई, अंदर की सारी सीसी सड़क बनाई, चार चार फीट कीचड़ था, आपको ध्यान है जब वसुंधरा बनी 2014-15 मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ, और मेरे से 200 मीटर दूर रितपाल जी कलेक्टर एसपी को लेकर बैठे थे कि जाओ बोंडमान हाईवे जाम करो, लाठी चार्ज करो, मैं आंखी धोखा देखो लाठी हाड़ फोड़ दो, मुकदमा दर्ज हुआ, सड़क बनाई और फ्लाईओवर सैंक्शन कराया खजवाना कुचेरा पे, ऊपर से जाएगा दिखे कुचेरा पे, मेरा भी तो अधिकार है, मेरे जिले का है, किसान की राजधानी थी वो, मैं काम नहीं कर रहा, आने बोर्ड सही थे और लोग आने के थोड़ा कहीं करा, बीजेपी में नहीं जानता तो मोदी मान जेल में गाल देता, देखो ईडी नहीं ईडी रितपाल जी का दो तीन दिक्कत हो रहा ना, तो जाओ फिर बातें क्यों कर रहे हो, फिर ये मत कहो हमने संघर्ष किया वो क्या, आप ये कहो हम डर के चले गए और हमें वोट दो। मैंने पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े नेता हुए देश प्रदेश के अंदर राजस्थान के, मेरे से पहले चौधरी कुमार राम जी नाथुराम जी कितने बड़े नेता थे, पार्टी बनाई क्या उन्होंने, पार्टी बना के नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और जवानों को लेके चला, और आज पूरे देश के हर राज्य के अंदर आप चले जाओगे तो जरूर हर गांव थाने में जो पढ़ा लिखा है वो कहेगा कि यार हनुमान जी नेता बहुत मजबूत है, अपने लोगों के लिए जान हथेली पे लेकर चलते हैं, ऐसा नेता आपको चाहिए धानवा में। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मेरी भी बैटरी धीरे धीरे बैटरी मुझे लग रहा है, थे कतो फेरो मना तो बताओ, थे जगदीप दाखी आने के एक लो फिर ले, अब मन किया सुबह 8 बजे उठ रहा जाओ और 40-60 मीटिंग का, बताओ एक दिन को टाइम है, कृपा रखे जो बड़ी हाजिरी मान लेना हमारी दोनों की, 100 पंचायत हो रहे, कोशिश करूंगा रात को 12 बजे 2-3 बजे तक और कल 40 और करूँ तो करीब करीब पहुंच जाऊंगा, ध्यान रखना आप तो इतना ही तय करना कि जब वक्त पड़े और बिगुल बजे तब आपके आगे ढाल बन के कौन खड़ा रह सकता है, इतनी बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो है जिसने मंत्री पदों को ठोकर मार के कौम का किसान का सम्मान बढ़ाया, ये आपको लगेगा, और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया, बच्चे पॉलिटिकल बयान कुछ भी देते होंगे, राजस्थान में कभी झगड़े होने नहीं दिए, कई बार स्थितियां बनी कि जाट राजपूत आमने सामने हो गए, गुजर मीणा आमने सामने हुए, हम बीच में चले गए, लड़ने नहीं दिया, बयान चलते रहते हैं, हम एक जगह रहेंगे, एक हमारी संस्कृति है, सारे भाई मिलकर नागौर का और राजस्थान का निर्माण करेंगे, मोदी और अमित शाह का घमंड तोड़ना है, चुनाव ज्योति ने लड़ रही है, मोदी लड़ रहा है यहाँ पे, और उसने ये कहा कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मुस्लिम वोट टूट सकते, देखो कितने प्लान से कर रहा, आप समझ गए ना कि मैं नागौर में मीटिंग नहीं करूंगा, कहीं मुस्लिम वोट जो थोड़े बहुत 5-25 टूट नहीं जाए, ज्योति को जिताना है, बड़े प्लान के साथ बाहुबल धन बल सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाइयों मुझे पूरा भरोसा है कि आप दिल्ली की उप पंचायत के अंदर मुझे ही भेजोगे तो मोदी अमित शाह की आंख डाल के आपको आपका हक और अधिकार दिला सके, विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका, 60 साल पहले नहरियां आ जाती, शिक्षा की क्रांति आ जाती, हमारे बच्चों को बाहर कमा के खाने के लिए जाना पड़ता, अकाल पड़ते ही सारे सारे बिना काम के हो जाते हैं, रोजगार की व्यवस्था नहीं, आश्वस्त करता हूँ सबको साथ लेके चलूंगा, नए नागौर नए मकरण का निर्माण करेंगे, सोच समझ के निर्णय लेना, निर्णय इतना ही लेना है कि वो लोग जो टूल बन के आए हैं उनके पीछे कौन है, और ये जो लड़ रहा है इसके पीछे कौन है, जिसके घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहते हैं वो एक जन सुनवाई नहीं करता, हमेशा करता है, तो हमेशा हर व्यक्ति समाज का साथ देता है, संविधान बदलने की बात कर रहे कि हमारी 400 पार संविधान बदल देंगे, संविधान का कुचेरा में बना था जो बदल देंगे, संविधान बनाया था
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने थाऊ गांव में सड़क तो अपने संविधान के तो बनाए थे बदल दे भाइयों मदद करना आरक्षण खत्म करने की साजिश है और वोट को रोकने की साजिश है ये मोदी की साजिश है और अमित शाह मोदी वो लोग हैं जिनके नजदीक में था इसलिए टाइम पे उनको छोड़ के मैं आ गया गठबंधन छोड़ के उनके मन में कोई भावना नहीं उनको वोट चाहिए मुझे तो चिंता है कल रामनवमी को झगड़े नहीं करवाते प्रदेश के अंदर इस बात का भी आपको ध्यान रखना सब लोग रामनवमी के जुलूस पे किसी तरह की भावनाएं भड़काने की कोशिश करें हमें उसे दूर रहना नमस्कार नमस्कार करके उसको निकलने देना सबको अपना अपना ध्यान रखना भाई मैं तो मेरे घर के सामने कई विरोधी कहते हैं कि मैं तो हनुमान जी घर के सामने निकल गया तो घर पे तो सामने तो रोड है मैं कह रहा हूँ घर के सामने आराम से निकलो ना घर के आगे खड़े होके कोई गलत नहीं बोल दे सामने रोड पे तो आदमी जाएंगे और सामने कोई गलत बोले जब आदमी को रोडों पे तो निकलेंगे लोग मीटिंग भी करेंगे वो अपनी बात कहेंगे हम हमारी बात कहेंगे।